हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ डार्क स्पॉट्स रिमूव करने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो विद टाइम जो है उस पर स्पॉट्स पड़ते रहते हैं ड्यू टू एक्ने और अदरवाइज भी छोटे छोटे तिल, डार्क स्पॉट्स की फॉर्म में छोटे छोटे तिल से बनते रहते हैं ड्यू टू सनबर्न या सन टैन भी बनते रहते हैं। उसको ठीक करने के लिए उसका सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ आज, जो कि है सैटर्न बाय GHC का पिगमेंटेशन रिमूविंग ये वाला सीरम। ये जो सीरम है इसके अंदर है ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो डार्क स्पॉट्स को और पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जो इसको बहुत ही स्पेशल बनाता है, दैट इज़ अल्फा आर्ब्यूटिन। तो अल्फा आर्ब्यूटिन आप सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर को बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग डार्क स्पॉट्स, क्योंकि ये डिक्रीज करता है द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन रिलीज्ड इन द स्किन एंड डिक्रीजेज द विजिबिलिटी ऑफ सनबर्न, टैनिंग एंड डार्क स्पॉट। इट इवंस एंड ब्राइटन्स योर कॉम्प्लेक्शन, गिविंग योर स्किन अ ब्राइटर एंड यूथफुल अपीयरेंस। इट लाइटन सन स्पॉट्स, reducing the visibility of acne scars and helps to balance our skin complexion. Melanin pigment होता है उसको बनने से control करता है, क्योंकि melanin जो pigment होता है उसी की वजह से ही dark spots बनते हैं। तो main जो इसका ingredient वो यही है alpha arbutin, क्योंकि active ingredients ही जो हैं वो ही main role play करते हैं किसी भी serum के अंदर। तो आपको अगर कोई भी serum specific टारगेट एरिया के लिए चाहिए, लाइक डार्क स्पॉट्स एंड उसके लिए पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, तो आपको उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड पे है, इसके अंदर है कोजिक एसिड। आपने अगर कभी एक्ने वाली ऑइंटमेंट्स लगाई हैं तो आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, इस एक्टिव इंग्रेडिएंट का, कोजिक एसिड का। तो कोजिक एसिड सीरम डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है एंड इट ऑल्सो लाइटन सन डैमेज, एज स्पॉट्स एंड स्कार्स। तो इसको एंटी एजिंग सीरम की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। तो ये एक्सफोलिएटर का काम करता है एंड इट इज़ एंटी एजिंग एंड इट्स एंटी बैक्टीरियल, तो ये परफेक्ट हो जाता है यूज़ करने के लिए फॉर सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन वाले पीपल, ठीक है। इट हैज़ एलोवेरा ऑल्सो। तो एलोवेरा की प्रॉपर्टीज़ तो मैं जितनी आपको गिनाऊँ उतनी ही कम है। आप एलोवेरा के यूजेस, बेनिफिट्स की लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन everything, but is high in vitamin C, vitamin E and contains anti-aging benefits, antibacterial, anti-inflammatory, reduces the wrinkles and what not. बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के। एंड इट ऑल्सो हैव हाइलूरोनिक एसिड विच इज़ अ होली ग्रेल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है हाइलूरोनिक एसिड, इट कैन इन्हांस स्किन हाइड्रेशन एंड इट मिनिमाइजेज द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन एंड रिंकल्स। तो इट हेल्प्स टू ब्राइटन द स्किन टोन। तो ये इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स है दे आर सो 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 गुड एंड दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। इसका प्रिंट रेट 799 है, बट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक जो दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा अप टू 30% डिस्काउंट। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, उसको क्लिक कीजिए एंड बाइंग लिंक पे आप पहुंच जाएंगे। इसको आप अपना डे एंड नाइट रूटीन दोनों में यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं इसको अपने नाइट टाइम रूटीन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे जो है हमारा जो स्किन है दैट इज़ इन हीलिंग मोड, तो अच्छे से ये स्किन को हील कर देती है। तो इसलिए मैं इसको अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ, फॉलोड बाय अ गुड मॉइस्चराइजर एंड यू आर गुड टू गो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक साइट का लिंक दे रखा है और उसमें आप जाएंगे तो आप अपना सर्वे भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिए की स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है एंड कौन सा हेल्थ के लिए प्रोडक्ट अच्छा है। तो वहाँ पे आपको हेल्थ कोचेस भी मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको प्रोडक्ट जो है वो कितनी बार यूज़ करना है, कैसे लेना चाहिए एंड ऑल। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड इफ इट वॉज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।